कौन से लड्डू नहीं लाए ना मम्मी? सवाल फिल्म में घर की बात है। थ्री टू वन एक्शन। जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010, और एक वक्त की सबसे बेहतरीन लीडर कबड्डी। अरे कबड्डी। आप तो एक ही टीम में हो यार। क्या पापा, रात को फिर से पड़ी? चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करा। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे ही चलती है। जया जी, वो दिन हवा हुए जवाब रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमन एम्पावरमेंट की, मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं। जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है। या मम्मी की एज क्या है? 32। तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है। आई थिंक शी इज रियल एज है, अमर हकीर है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद रहेगी ना मुझे। याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दिया। बरेल की बर्फी मिल पति। तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों का रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को? पंगा एवरी मदर, हाँ सेकेंड चांस है यार। जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना, तो सिर्फ शान का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना। ओह ऑल्सो दिस इज रिपब्लिक डे। सलाम अल बरात। हाँ वाओ, आई लव दिस बरात। जिस उम्र में प्लेयर रिटायर होने की सोचते हैं ये कमबैक कर। अश्वनी है, मुझे पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो। मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूँ। मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही हूँ। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट, नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। कौन से लड्डू तो लाई? कबड्डी खेलनी थी, कबड्डी खेल, और ये भी चीनी में बनाए। कौन से लड्डू नहीं लाए ना मम्मी? सवाल फिल्म घर की बात है। ओके पहले मैं हिंदी में बात करूंगा, बड़े बच के अरबी। फिल्म का जो ट्रेलर है, पहले शुरुआत में जो दिखाया गया है, वो जो माहौल है घर का माहौल और फैमिली, जो जिन जो बातें चलती है घर के अंदर, माँ बेटे और माँ शोहर और बीवी के बारे में, ये सब अच्छी तरह से दिखाया गया है। और औसत दर्जे के लोग हैं कैसे जी रहे हैं ये दिखाया गया है। और कंगना रनौत के जो एक्टिंग दिखाई गई इस फिल्म के अंदर, उस पर बहुत सूट होती है सही में दिखाया गया। फिल्म स्पोर्ट पे आधारित है और स्पोर्ट जो है, ज़्यादातर ये फिल्में हमने देखी है, जैसे कि दंगल या फिर कई फिल्में आई है। छिछोरे जो लास्ट फिल्म थी पिछले साल या ये साल में रिलीज़ हुई, ये फिल्में सब लोगों को और इंकरेजमेंट देती है। स्पोर्ट जो स्पोर्ट की जो कहानी रहती है उसको, उसमें ज़्यादा लोगों को
जो लोगों का इम्पोर्टेंस है फिल्म देखने का और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि के इसके अंदर वो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, फिल्म का जो लीड एक्टर रहता है या लीड एक्ट्रेस, वो अपने आप को इस फिल्म में देखते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो काम हो, चाहे वो हमारे किसी चीज़ पे ज़िद्द हो, या फिर हमारा जो गोल रहता है, हमारा जो एम रहता है हमारी ज़िंदगी में, वो इन फिल्मों से ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है हम लोग को, या फिर ये फिल्म हमारा एक्स दिखता है इसके अंदर, ये फिल्मों के अंदर। इसमें मुझे ये दिखाया गया कि ये कुछ करेंगी ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ज़्यादातर रियलिटी दिखाया गया है, और जो माहौल है, जो जगह है जहाँ पे रहती है कंगना रनौत अपने फैमिली के साथ, कैसे गुजारती है अपने दिन, और कैसा दिखता है कि अभी मैं ख़त्म हो गई, मैं ये खेल फिर से नहीं कर सकती हूँ, ये सब दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, जो ज़्यादातर रियल दिखता है। रियल इसका डायरेक्शन जो है, या फिर जो जगहों पे इस फिल्म को शूट किया गया है, सब रियल दिखते हैं, तो ये फिल्म को और ज़्यादा बढ़ावा देता है मेरी नज़र में। और कंगना रनौत एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और ये रोल उन पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है मेरी नज़र में। और फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स है अभी तक ट्रेलर में बहुत अच्छे दिखाए गए हैं, और एंड का जो सीन है माँ बेटी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही खुश मिजाज है ऐसा दिखता है। हम घर में हैं और लोगों की घर की बातें सुन रहे हैं। ज़्यादातर जो पब्लिक फिल्म देखती है सिनेमा में, वो क्या देखना चाहती है, ज़्यादातर आप ज़िंदगी में क्या देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, आप खिड़की खोल के देखते हैं कि वो आपका जो नेबर है वो क्या कर रहा है। इस फिल्म के अंदर वो सब हमको दिखाई देगा कि घर में क्या होता है और इसकी ज़िंदगी में क्या होता है, ये सब सबको मिला के एक ऐसी फिल्म बन जाती है, एक सोशल फिल्म बन जाती है, और एक सही माने में एक रियल फिल्म बन जाती है। ये फिल्म हमको देखना बहुत अहम लगेगा, और मुझे बहुत खुशी की, मुझे ये खुशी की बात यह है कि ये फिल्म भी रिपब्लिक में रिलीज़ हो रही है स्ट्रीट डांसर के साथ। हमको एक चॉइस मिलेगा, अगर हम डांस के फैंस हैं, जो हम डांस देखना चाहते हैं, स्टेप्स देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, और हम जो रियल सिनेमा और जिस फिल्मों में कंटेंट अच्छा रहता है वो देखना चाहते, तो ये फिल्म हमारे पास भी मौजूद है। और ये था मेरा रिएक्शन इस फिल्म के बारे में, पंगा। बहुत अच्छा इसका टाइटल है, पंगा। فيلم بانغا أو التحدي بما معناه بالعربي الإعلان ماله، الإعلان أنا جذبني لعدة أسباب. أولا الواقعية، الواقعية في الأماكن التصوير لهذا الفيلم، والواقعية في العائلة، ما الذي يحصل في هذه العائلة، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأم والابن، وما بين الأم والبنت. فهذه الأمور كلها باينة في هذا الإعلان بشكل جيد جدا، وكنغنا رانوتا أشوفها مناسبة جدا لهذه النوعية من الأفلام. الأفلام الرياضية تعطي استلهام أكثر، دائما تلهمك كمشاهد، أنت تخلي نفسك مع الشخصية الرئيسية في أي عمل من هذه الأعمال، أنك أنت مش شرط أن تكون رياضي، ممكن تكون عندك أهداف أخرى في حياتك، هذه الأفلام تساعدك، تعطيك دافع أكثر أنك أنت شو تبغى تعمل تقدر تعمل في حياتك. فهذه النوعية من الأفلام تلهمك أكثر، وعلى أساس أنها تكون قوية لازم يصوروها بشكل مثالي، ويصوروها بأحداث حقيقية، فهم مصورين في أماكن حقيقية، في أماكن واقعية وحياة حقيقية، وليست حياة مزيفة، مش تزييف في الواقع، إكسسوارات عالية الجودة، زينة عالية الجودة، لا، معمول بشكل طبيعي وبشكل واقعي جدا. فهذا الشيء يساعد يكون هذا الفيلم مهم في هذا العام. وكنغنا رانوت مثل ما قلت لكم تنفع لها هذه الأدوار، وهي جيدة جدا. كذلك أنا عجبني في هذا الفيلم لقطة الأم يمتي في النهاية، فأنت تحس أنك أنت عايش مع الأم والبنت، سوالفهم، هاي السوالف أكيد موجودة في بيوت كل الناس، فهذه الاختيارات الواقعية جيدة جدا على هذا الفيلم. وأنا عاجبني أن هذا الفيلم راح ينزل في نفس اليوم اللي بينزل فيه ستريت دانسر. الناس اللي تحب الرقص وتحب الأمور هذه ممكن تشوف فيلم وتحصل اللي هو ستريت دانسر، والناس اللي تتذوق السينما وتبغى تشوف محتوى
مختلف، ممكن تتذوق وتشوف هذا الفيلم، ممكن أكون أنا صح وممكن أكون خطأ، ممكن الفيلم يطلع عكس ذلك، لكن الإعلان مشجع جدا لحتى الآن. أداء التمثيلي لكل الممثلين اللي في هذا الفيلم باين عليه قوي جدا، واختيارات المخرج للممثلين صحيحة في أماكنها المرتبة. وأنا منتظر هذا الفيلم بفارغ الصبر، راح أشوفه إن شاء الله في السينما وراح أعطيكم قراءتي لهذا الفيلم من بعد المشاهدة. فشكرا جزيلا على المشاهدة، ولا تنسون السبسكرايب، لازم تدق الجرس التنبيه على اساس انه يوصلكم اول باول كل حلقات اللي انا قاعد اقدمها، سواء كان قراءات ولا كانت انطباعات ولا كانت امور اخرى. شكرا جزيلا على المشاهده، واشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.